हेलो फ्रेंड्स आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स फ्रेंड्स आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल दिस वन जो कि आपको एक सोबर और डिजाइनर दोनों लुक देने वाला है और बहुत ही अच्छा जो है आप ड्रेस के ऊपर करोगे आपके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर आप कुछ भी वियर कर लीजिए आप गाउन वियर कर लीजिए आप लहंगा वियर कर लीजिए सबके ऊपर बहुत ही अच्छा लुक देगा और आप बहुत ही आसानी से इसे क्रिएट कर सकते हैं खुद ब खुद तो किस तरह से ये हेयर स्टाइल बनाना है तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो के साथ और देखते हैं सो so, फ्रेंड्स सबसे पहले हमने क्या करना है हमने एक सेक्शन निकालना है तो आप देखिए बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको एक फ़्रंट वेरिएशन देना बताऊंगी जिसमें आपको कोई भी अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमने क्या किया है कि एक सेक्शन निकाला है जस्ट और इसको सेपरेट कर लिया है जो हमारे बैक वाले हेयर हैं उनसे और उनको हमने सेपरेट कर लिया अब देखना आप इन हेयर से मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको किस तरह से फ्रंट वेरिएशन बताना बता सिखाऊंगी जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से इसके वेरिएशन बना सकते हैं तो हमने यह करना है हमने इस तरह का बड़ा सा कॉम्ब लेना है और जो कि हेयर से इजली टेंगल फ्री करना है और टेंगल फ्री करने के बाद आपने इस कॉम को अपने हेयर को बैक करके और कॉम को उसके अंदर इस तरह से डालना है और इसको इस तरह से आप रोटेट करना है हेयर जो है वो निकलने नहीं चाहिए कोम में से और इस तरह से रोटेट करके आपको पकड़ लेना है और जिससे कि आपका एक बहुत ही अच्छा सा फ्रंट वेरिएशन तैयार हो जाएगा बिल्कुल ही एक मिनट भी नहीं लगा ये करने में कितना आसान तरीका था है ना और इसमें हमने यूज़ करनी है अपने पिंस का तो मैंने यहाँ पे अपने बॉब पिन का यूज़ किया है और जिसको कि मैं इसको टाई कर देती हूँ और टाई करके इसे अच्छे से होल्ड कर देती हूँ तो बिल्कुल इजी वे में मैंने टाई किया और इसे होल्ड कर लिया दो पिंस का यूज़ करना है हमने ताकि अच्छे से टाई अप हो जाए तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारा फ्रंट जो है वेरिएशन बन के रेडी है तो हमने क्या किया है इसमें बिल्कुल आसान इजी वे में बनाया है एंड में कि हमने क्या करना है जो अपने सारे हेयर हैं अब आपने होल्ड कर लेने हैं अपने हैंड में और इनको अच्छे से कोम कर लेना है कॉम करने के बाद आपने इनको होल्ड करके रोटेट करना है इस तरह से और रोटेट करते वक्त ऊपर लेके जाना है इससे क्या होगा कि आपकी एक साइड की हेयर जो है वो इस तरह से रोटेट हो जाएंगे यानी कि बैंड होना स्टार्ट हो जाएंगे अब जैसे ही आई इसके आपको वेरिएशन नज़र आए जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे लग रही है तो इस तरह से तो आपने क्या करना है आपने अपनी यू पिन लेनी है और यू पिन को लगाना है यू पिन को कैसे लगाना है सबसे पहले सीधा लगाएंगे एंड देन उसे टर्न करते हुए होल्ड करेंगे इसको तरीका है अगर आप डायरेक्टली लगा दोगे तो वो क्या होगा सारे निकल जाएगी पहले सीधा लगाना है और सीधा लगा के फिर इसे, इसे इस बैंड करके इसको रोटेट करना है और फिर उसे हॉरीजोंटली लगाना पहले वर्टिकली देन हो टली इस तरह से जिससे कि ये टिका रहे और ये खुले ना इस वजह से हमें इस करना पड़ेगा इस वजह से ही ये इस तरह से लगानी पड़ेगी तो जिससे क्या होगा अगर हम अपने हेयर को छोड़ेंगे तो वो खुलेंगे नहीं तो इसमें काफ़ी सारी जो यू पिंस है यूज़ होंगी और ये आपका एक वेरिएशन रेडी हो जाएगा देखिए मैंने छोड़ा और अभी ओपन नहीं हुआ क्योंकि यू पिंस ने इसे अच्छे से टाई कर लिया अब जो रेस्ट ऑफ हेयर हैं इन्हें कॉम करेंगे और कॉम करके हम इसमें थ्री सेक्शंस डिवाइड करेंगे थ्री सेक्शन में डिवाइड करके इसमें वेरिएशन लेंगे सबसे पहले हमने एक सेक्शन लेना है एक सेक्शन लेके हमने इसे राउंड मूव कराना है हमने क्या करेंगे यहाँ पे इसे राउंड मूव कराएंगे और राउंड मूव करा इस तरह से राउंड मूव करके हमने इसमें जो है वेरिएशन लेनी है यानी कि हेयर को थोड़ा सा अपवर डायरेक्शन में पुल करना है और पुल करके हमने इसी साइड से ही जिस साइड हमारे हेयर हैं इसी साइड से ही अपने हेयर को ले जाकर यहाँ पर पीछे टाई कर देना है यानी कि जो हमने ऊपर की वेरिएशन ली थी वो हमारी छुपनी नहीं चाहिए यानी एक साइड हमारी थोड़ी सी वेरिएटेड लगेगी दूसरी साइड हमारी प्लेन लगेगी तो दोनों वेरिएशन एक ही बन में विजिबल होंगी और बहुत ही ईजी वे में तो दोनों को आपने इस तरह से अच्छे से टाई अप कर देना है और जैसे हमने ये किया है सेम इसी तरह से ही हम दो और सेक्शन बनाएंगे और उनको भी इसी फॉर्म में हमने इसमें बन में क्रिएट करना है तो दो और सेक्शन लिया उन्हें राउंड मूव कराया जो राउंड मूव है जहाँ पे हेयर की डायरेक्शन जा रही है ऊपर वाले उसी डायरेक्शन में राउंड मूव कराएं अदरवाइज हेयर में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आपकी जो बन में प्रॉब्लम आ सकती है इसी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में ना लेके जाएँ जहाँ ऊपर के हेयर है जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में सबसे पहले किया था फोल्ड उसी डायरेक्शन में अपने इन हेयर को भी फोल्ड कर लेना है और इसको भी इसी तरह से लगा के टाई अप कर देना है अपनी यू पिन की हेल्प से अब एक हमारा एक सेक्शन और रहेगा और इसको भी हमने जस्ट रोटेट करना है वेरिएशन लेनी है और वेरिएशन लेकर हमने इसको आ, अपने बन पे फोल्ड कर देना है तो ये सबसे इजी वे में और देखिए कितने आसान तरीके से आपका ये जो बन है वो बन कर रेडी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा और आप आसानी से अपने पार्टी के लिए इस बन को क्रिएट कर सकते हैं और इसी तरह से हमने जो रेस्ट ऑफ हेयर है मीडियम हेयर के लिए ये बन बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है और रेस्ट ऑफ हेयर को भी आपने दूसरी साइड ले जाकर इन्हें टाई अप कर देना है अपने यूपीन के हाथ से और जितने भी एक्स्ट्रा हेयर हैं उन्हें भी अपने बन में एडजस्ट कर दें टाई कर दें तो ये आपका जो ऑलमोस्ट बन जो है वो रेडी हो जाएगा अब देखिए जो हमारे जितने भी हेयर हैं हमने एक्स्ट्रा हेयर हैं उन्हें ट्राई कर लिया अब बीच में आप कोई भी हेयर जो एसेसरी हैं वो यूज़ कर सकते हैं ये कंप्लीटली आपका जो विश है आप कोई भी हेयर एसेसरी यूज़ कर सकते हैं जैसे भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपनी हेयर असेसरी ली है जो कि मैं अपने बन में यूज़ कर रही हूँ इस तरह से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हमारा जो बन है वो रेडी है तो ये कितने आसानी से हमने ये बना लिया और कितना अच्छा और यूनिक जो है ये लुक दे रहा है आप फ्रंट से वेरिएशन ले लें यानी कि फ्रंट से फ्लिक्स निकाल लें और आप चाहें तो कर्ल की फ्लिक निकल कर की फ्लिक निकालनी है तो उसके लिए पहले ही निकाल के रखें तो हमारा तो ये बन बिल्कुल ईजी वे में रेडी है और आप भी इसे क्रिएट करके देखेगा बहुत आसानी से आप इसे क्रिएट कर लोगे तो फ्रेंड आई होप्स होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स गुड बाय थैंक यू